देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे सर? थर्ड चैप्टर पढ़ा रहे। मतलब बाबू, आपको ऐसा वाला सिंबल मिलेगा, इसको रेडिकल साइन करेंगे कहेंगे। अब इसके अंदर कुछ कुछ नंबर मिलेगा, यहाँ पे कुछ नंबर मिलेगा, इसके अंदर कुछ मिलेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आपको कैसे टैकल करोगे, वही आपको हम सिखा रहे हैं। इसी चीज को हम शांति से सुनना है, सीखते चलना है ना, शांति से सुनना और क्या करना है, सीखते चलना है ना। यस ऑन, वीडियो ऑन करो या माही बाबू ऑन कीजिए जी, नहीं तो रिमूव कर देंगे बाबू। अभी नहीं लिखना, आप शांति समझो, इतना देर से कर क्या रहा था बैठ के। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे बाबू आपको क्वेश्चन दिया, इसको कह रहा है सिंप्लीफाई करो, कैसे करेंगे है ना। ठीक, देखो कैसे करना। आपको बोले थे बाबू, जब भी बाबू कि इसका हम लोग यूज करेंगे, ये सिंबल है ऑर्डर, अगर मान लो पावर सेम रहता है, ऑर्डर और पावर सेम रहता है, जैसे मान लो यहाँ 4 है, अब 4 के पावर 3 है, यहाँ ऑर्डर पावर सेम है, तो ये जो 4 है बाबू इस सिंबल से बाहर निकल जाता है। ये जो 4 है क्या हो जाता है, ऑर्डर पावर सेम होता है, तो ये जो फोर है ना, इस सिंबल से बाहर निकल जाएगा है ना, बाहर निकल जाएगा। ठीक, इसी कंसेप्ट को आपको यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको बताए थे बाबू, इस तरह से इधर पहले कंसेप्ट लिखा देते हैं ना। ठीक, क्या है भोला इसको बाबू, जैसे मान लो कहीं भी, शांति से समझना है कॉन्सेप्ट में, आपको मल्टीप्लिकेशन है ना, प्रोडक्ट रूल बताए थे, जैसे मान लो 2 के पावर 3 है, अब मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 है, तो बराबर कितना होगा, बेस सेम है, पावर जोड़ देंगे, 2 के पावर कितना, 3 प्लस 2 बराबर कितना, 2 के पावर 5, ये बताए थे ना, सर है ना। कॉन्सेप्ट ठीक, नेक्स्ट समझना। ठीक, अगर बेस सेम होता है तो पावर जोड़ देते हैं, इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, कैसे सर, है ना, शांति समझना। इसी चीज को यूज कर, जैसे 2 के पावर 5 है, तो हमको जो रिक्वायरमेंट होता है 2 के पावर के, उसको तोड़ सकते हैं, जैसे 2 के पावर 5 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 है ना, तो इसको हमको ब्रेक करने की जरूरत पड़ गया, तो कैसे ब्रेक कर सकते हो, बेस सेम है ना, 5 को कैसे जोड़ तोड़ सकते हो 3 2 में, या इसको हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं सर, 5 को जरूरत पड़ेगा तब 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1 में भी तोड़ सकते हैं, है ना। अरे शैतान, बेस सेम है, पावर 4 प्लस 1 कितना, 5 आ गया, 3 प्लस 2 कितना आ गया, 5 आ गया, किसी को मन है, और कैसे तोड़ सकते हो, 3 2 में चलो तोड़ो, चाहे 2 3 में तोड़ो, ऐसे भी तोड़ सकते हैं ना बाबू, और किसी को मन है कैसे तोड़ सकते हो, इसको ज्यादा मन है तो 2 के पावर 5 कर दोगे, या मल्टीप्लाई 2 के पावर कितना कर सकते हो, 0 कर सकते हो, तो 5 प्लस 0 कितना होगा, यही चीज आएगा। मतलब आप क्या समझाना चाह रहे हैं आशुतोष बाबू, वीडियो ऑन करो, शांति से सुनते चलना। इस चीज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना, जैसे थर्ड नंबर मान लो बाबू है ना, 3 के पावर मान लो 6 है, तो इसको अगर आप तोड़ने की जरूरत है, तो इसको कैसे तोड़ सकते हो, तो आप जो इच्छा वो तोड़ो, 3 के पावर 3 अब मल्टीप्लाई 5 कर लो, ताकि आपको आसान हो, नहीं तो 3 में आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे, 5 के पावर 6 है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3, 5 के पावर 6 है ना, तो इसको अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन ब्रेक करने का जरूरत पड़े, तो ये 5 के पावर 3, इसको देखो 5 के पावर 3 3 कैसे सर, बेस सेम है, पावर ऐड करोगे, 3 प्लस 3 कितना, 6 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, और इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, हमारा मन कर रहा सर 5 के पावर 2 में आ मल्टीप्लाई 5 के पावर 4 में, 5 के पावर 2 में, 5 के पावर 6 को ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, मैंने पावर को आप ब्रेक कर सकते हो, 4 और 2 में, 4 प्लस 2 सर कितना, 6 होगा, यही चीज आएगा। केकरो मन कर कॉन्सेप्ट रहा सर ब्रेक करने का कैसे, 5 के पावर 3 हो गए ना, मान लो 4 2 हो गया है ना, केकरो मन कर रहा सर 5 के पावर 5 लिखते हैं, आप 5 के पावर कितना लिखते हैं, 1 लिख दें, ये भी मैंने 5 के पावर 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आप इसको और भी तोड़ सकते हो, 3 को मल्टीप्लिकेशन में भी तोड़ सकते हो, किसी को मन करा सर ऐसे तोड़ने का, 5 के पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 के पावर 1, है ना, क्योंकि क्यों, देखो बेस 5 5 मल्टीप्लाई तो पावर जुटेगा, 2 प्लस 2 प्लस 4 8 5, इसको आप यहाँ 6 ना लाना, तो यहाँ 2 कर दो, तो सारे पावर को जोड़ोगे तो 6 आएगा, है ना। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, कैसे सर, शांति से समझना, अभी लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक, इसको भी बगल में लिखना, यहाँ पे देखो आपको क्या बोले कि पावर ऑर्डर सेम होगा, तो वह नंबर जो बेस में नंबर होगा सिंबल से बाहर निकल जाएगा,
जो रेडिकल साइन का सिंबल है वो कहने को उससे बाहर निकल जाएगा, है ना, बाहर निकल जाएगा। ठीक, यहाँ देखो ऑर्डर थ्री है, पावर थ्री है, ऑर्डर थ्री पावर थ्री, मन से समझना राजनंदनी। तो यहाँ तीन तीन मिल गया, तो ये दो बाहर निकलेगा, इस जो आपका है ना, ये जो रेडिकल साइन है, जो चम्मच वाला सिंबल है, वहां से ये दो बाहर निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट समझना। ठीक, देखो पावर थ्री ऑर्डर थ्री लिखना नहीं है अभी, इसको मिटाएंगे। पावर थ्री ऑर्डर थ्री, तो ये भी फोर क्या होगा, पावर सेम ऑर्डर सेम, तो फोर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इस सिंबल से चार बाहर निकल गए, बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का सिंबल दे दो, है ना। ठीक, नेक्स्ट, अब यहाँ फोर है, यहाँ थ्री है, फोर है थ्री है, तो फोर अगर ये थ्री होता और ये थ्री होता तो थ्री बाहर निकल जाता, है ना। ठीक, बहुत सारा बच्चा इस टाइप का कलेजो क्वेश्चन है। विक्रम वीडियो ऑन कर जी, गलती किए हो। यहाँ बाबू थ्री, यहाँ थ्री होता तो पांच बाहर निकल जाता, लेकिन यहाँ क्या है, चार है, तो इसको तीन बना सकते हो ना, कैसे बनाएंगे वही सोचना है। इसको तीन बना सकते कि नहीं बना सकते, तो कैसे बनाएंगे, तो ये सोचो। ठीक है ना, शांति से समझना, है ना, शांति समझना। ठीक, कैसे बनाएंगे इसको तीन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नेक्स्ट मल्टी, दो बाहर निकल गया, चार बाहर निकल गया, तो बच क्या गया ये अंदर, मतलब ये जो सेम्बुल बच गया फाइव के पावर फोर, और यहाँ थ्री है, ये बच गया ना फाइव के पावर फोर, और ये जो क्यूब रूट ऑफ थ्री थ्री हो गया। ये फोर टू मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, एट हो जाएगा, और इसको तोड़ोगे तो ये थ्री हो गया। ठीक, शांति समझना, फिर इरेज करेंगे, फिर समझाएंगे एक बार। नेक्स्ट बाबू, है ना, ये कौन है जी, मयंक बाबू, इसका कनेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ थ्री, तो पांच को तीन बना सकते हो, हाँ सर, पांच के पावर चार है ना, तो पांच के पावर तीन बना सकते हो, हाँ सर बना सकते हो, कैसे सर, पांच के पावर चार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइव के पावर थ्री मल्टीप्लाई फाइव के पावर वन, पांच के पावर चार है ना, तभी ना बताए बाबू, अगर छह है तो हमको जो रिक्वायरमेंट है उस पावर को, उसको हम लोग उस रूप में तोड़ सकते हैं, हमको तीन है तो पांच के पावर तीन कर दें, चार लाना है तो कितना करेंगे, वो फाइव के पावर वन करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तीन प्लस एक तो यही चीज आएगा ना। ऐसा करने से हमको आसानी हो गया, क्या हो गया, यहाँ तीन हो गया, यहाँ तीन हो गया, तो ये पांच क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, पांच क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ना बाहर निकल जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे, टैकल करेंगे। तो इस चीज को अगर आप यहाँ कर रहे हो, उससे बढ़िया हम लोग यही ब्रेक करेंगे, इसको यहाँ ब्रेक करने से बढ़िया यही ब्रेक करेंगे, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, शांति से समझना, है ना, देखो क्या कहना चाह रहे हैं, इतना जो समझाएं इस चीज को हम लोग यहीं ब्रेक करेंगे, कैसे सर, देखो ये कितना है, थ्री है, टू के पावर थ्री है मल्टीप्लाई फोर के पावर थ्री है, फाइव के पावर फोर है, तो फाइव के पावर फोर को फाइव के पावर थ्री में लिख सकते हो, हाँ सर, कैसे लिखेंगे, फाइव के पावर थ्री लिखेंगे और मल्टीप्लाई फाइव के पावर वन लिखेंगे, क्यों सर, अरे बेस से में ऐड करोगे तो थ्री प्लस वन फोर ही ना आएगा। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हमको हो गया कि यहाँ तीन है, आउटगो तीन है, ऑर्डर भी पावर भी तीन, ऑर्डर भी तीन, तो ये पांच क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ ऑर्डर थ्री है, अब पावर क्या है, थ्री है, तो जिसका ऑर्डर पावर सेम है वो बाहर निकालो। आपका होमवर्क नहीं आया मैं बाबू, नहीं तो को पढ़ाना वो बहुत किताब कम है पापा जी। यहाँ पे देखो ऑर्डर थ्री है, पावर थ्री, तो एक दो बाहर निकलेगा, यहाँ ऑर्डर थ्री पावर थ्री तो चार बाहर निकलेगा, यहाँ पावर थ्री ऑर्डर थ्री तो पांच बाहर निकल जाएगा, ये पांच निकल गया, चार निकल गया, बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये वन है बेचारा के पावर तीन नहीं ना, तो ये अंदर रह जाएगा, इससे छोटा है ना, ऑर्डर थ्री पावर वन है तो अंदर छोड़ देना, तो ये कितना हो जाएगा, फाइव के पावर वन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट समझना, है ना, नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट फाइव बाबू, पार ना दे तब भी चलेगा हाँ वन नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, टू फोर जा फोर टू, फोर फोर टू जा एट, एट फाइव जा फोर्टी, और ये क्या हो गया, यहाँ ऑर्डर थ्री है, ऑर्डर थ्री है तो थ्री जरूर लिखना, है ना, ये तीन में अंतर है, यहाँ पे तीन हो गया, ये फोर्टी अलग चीज है, फोर्टी कोफिशियंट में, और ये जो आपका है,
इस तरह से ये 3 के ऑर्डर है, 5 के पावर 1 है, तो इसको सिंपलीफाई करोगे तो 40 × √5 होगा। लिखो इसको, अगला बताते हैं, अटेंडेंस बना देते हैं, देख लो सब जिसको आना था आया, नहीं आया था। लिखो इसको, ए मयंक, नई वीडियो कनेक्ट हो रहा जी। तन्नू कहाँ गई? तन्नू, तन्नू है, आरव है, क्या कर रहा है संकल्प? फिर शैतान कहेगा समझ में नहीं आता है। आरव नहीं है जी, नहीं, रौनक रौनक, रौनक है, राज, जल्दी लिखो, राजनंदनी है, नैतिक, लक्ष्मी नहीं है, डांसर स्वाति, ये स्वाति वीडियो ऑन कीजिए जी। होमवर्क बना के काहे नहीं भेजता मयंक बाबू? भेजे हो? भेजा जल्दी लिखिए। अदिति कैमरा डाउन कीजिए बाबू। अशैतान अंशु, आपको बोले थे सुंदर राइटिंग में लिख के भेजने के लिए जी। डांसर राजदीप भी नहीं है जी, जल्दी लिखे वो परी। अरे अभी गेटवा पर गए तालु निखिल भी नहीं है, जल्दी मंत्री वैष्णवी, परी कहाँ गप कर रही हो परी? अरे सर रीड कर रहा है लिखा हुआ। मुंह उधर रीड करके कौन करता है जी? शैतान, पूरा डायरेक्शन में मुंह 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 करके कौन रीड करता है? जल्दी लिखिए, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, समझना मन से। अंशु काहे इतना वीडियो बंद चालू होता है जी? अंशु जल्दी लिखिए। चलिए ठीक है बाबू, देखो अगला समझो। अरे मोबाइल रोटेट करो बाबू, जल्दी लिखिए। 218 नंबर, देखो क्या कह रहा है। 218 नंबर, शांति से समझते चलना। यहाँ पे 4 है बाबू, यहाँ 64 है, यहाँ 4 है, ज्यादा दिमाग लगाओगे गलत हो जाएगा राजनंदनी, ठीक? गलत नहीं होगा, टीचर काट देगा। अब यहाँ 4 है तो इसको भी ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर 4 है ना, तो इसको भी पावर 4 में लिखने की कोशिश करो। तो कैसे करेंगे? तो 64 को क्या करो, सर फैक्टर थ्री करो। नंबर में तो 5 2 3 1 भी हो सकता है वो कॉन्सेप्ट। हाँ 3 2 1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको जो इच्छा हो, हमको जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार हम लोग ब्रेक करेंगे। 3 2 1 भी हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई भी बहुत सारे कम्बिनेशन हो। 6 को आप कौन कौन से नंबर में जोड़ के 6 ला सकते हो ना, तो 3 2 1 जोड़ सकते हो, 2 2 जोड़ सकते हो ना, 4 2 0 जोड़ सकते हो, है ना, कैसे कैसे जोड़ के ला सकते हो, तो बीच में मल्टीप्लाई डाल देना। नेक्स्ट समझना, शांति से सुनते चलना। शुरू शुरू चाहिए 64 है, इसको कह रहा ब्रेक करने के लिए, तो देखो कैसे ब्रेक करोगे। तो ऑर्डर 4 है ना, तो कोशिश करो अंदर में जो है उसको पावर 4 में लिखने की कोशिश करो। ऐसा करने से फायदा क्या होता है सर? ऐसा करने से हमको फायदा ये होता है बाबू कि जो भी अगर ऑर्डर और पावर सेम होते तो नंबर क्या होता है, रेडिकल साइन से बाहर निकल जाता। सबसे बड़ा एडवांटेज हमको यही होता है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, 64 को फैक्टर करो। कैसे करो? फैक्टर करो। कैसे करेंगे सर? इस तरह से लिखो,
64 को प्राइम फैक्टराइजेशन बताए थे बाबू परी, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, और ज्यादा मन होगा तो 2 से करोगे 1 होगा। मतलब 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं परी शैतान, 1 2 3 4 5 6, 2 कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 6 टाइम है ना, 2 4 6, ऐसे कर सकते हैं ना। 64 देखो ना, 1 2 3 4 5 6, 2 कितना बार मल्टीप्लाई, 6 टाइम। शांति से समझते चलना, तो 2 है ना, 64 को क्या 6 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 कितना बार होगा, 6 बार होगा, 2 4 2 6 हो गया है ना। ठीक बाबू, नेक्स्ट आगे सोचना है, आगे कैसे सोचेंगे। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर 4 है ना, तो यहाँ भी पावर 4 चढ़ाने की कोशिश करो। क्यों सर? इसलिए कि ऑर्डर पावर सेम होता है ना, तो वो साइन से बाहर निकल जाता है, जो आपका रेडिकल साइन ये चम्मच वाला शेप है ना, उससे बाहर निकल जाएगा। हमको सिंप्लीफाई करना है ना, तो यहाँ ऑर्डर 4 है तो पावर भी 4 लिखो। तो पावर कैसे 4 लिखेंगे, शांति से समझना है ना। ये 4 हो गया, तो इसमें कई गो दो गो को लेंगे कि पावर 4 हो जाएगा, तो किसी के ऊपर नहीं कुछ है तो पावर 1 समझेंगे है ना। ठीक, तो हमको पावर 4, ऑर्डर 4 है ना, तो पावर 4 मतलब क्या लिखो, 4 गो 2 गो को क्या करो, एक साथ कर लो, 4 गो 2 गो एक साथ कर लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 कितना बार आएगा, 2 के पावर 4 आ जाएगा कि नहीं है ना। हाँ सर, क्यों ऐसा किए, शांति से सुन, इसलिए किए बाबू क्योंकि ऑर्डर मेरा 4 है, पावर हमने 4 को लिख लिया, ऐसा लिखने से 2 बाहर निकल जाएगा, बच क्या गया, 2 गो 2 बच गया, ये 2 गो बच गया ना, तो जो 2 गो बच गया उसको लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 है ना। नेक्स्ट समझना, ऐसा जैसे कि है तो ये 4 है, यहाँ 4 है, 217 का आंसर 40 आया ना। ये 4 है, यहाँ ऑर्डर पावर 4 है, ऑर्डर 4 है, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा। ऑर्डर पावर सेम होगा सर पे और यहाँ पे, दोनों सेम नंबर मिल गया, तो जो नीचे में नंबर रहता है वो बाहर निकल जाता है, ये 2 इस रेडिकल साइन से क्या हो गया, बाहर निकल गया। अंदर देखो ये निकल पाएगा, ये निकल पाएगा नहीं ना, निकल पाएगा क्यों सर, क्योंकि 4 है कर सर पे, पावर 1 है, दोनों को जोड़ोगे भी तो 2 ही ना होगा, तो ये 2 नहीं निकल जाएगा, मतलब ये 2 कहाँ रह जाएगा, ये 2 गो 2 इसके अंदर मरेगा, सड़ सड़ के मरेगा, और यहाँ पे 4 था तो 4 लिखना भूलना मत है ना। नेक्स्ट बाबू आगे समझना, x4 हाँ, तो बाय टू इंटू x, टू को मल्टीप्लाई करके 4 नहीं लिख सकते सर? अच्छा जी शांति से लिख सुनो। सकते हैं कि नहीं नेक्स्ट बाबू सर? ये लिख हो सकते गया, हैं। नेक्स्ट बोला ये 2 आगे लिखना है ना, और उसके बाद 4 लिखना है, ये दोनों में कोई रिलेशन है, 24 इसको नहीं पढ़ना, इसको इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, अब 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 4 होगा, तो एक्चुअल इसका आंसर ये होगा, आप भी बनाए राजनंदिनी सही है ना, लेकिन बाबू एक्चुअल आंसर आपका ये होगा 2 है ना बाबू, 2 मल्टीप्लाई कितना, 4th रूट ऑफ 4th होगा, तो ये आंसर होगा आपका। नाउ यू हैव टू राइट डाउन, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो। विक्रम वीडियो ऑन करो जी, लोग दोनों के बीच में गैप क्यों देकर लिखते हैं? गैप इसलिए दिया है तो कि आप इसको एक साथ लिखोगे तो ये 24 समझा जाएगा ना, इसीलिए थोड़ा सा बीच में गैप दे दो, ताकि ये कोफिशियंट बन जाए और ये ऑर्डर बन जाए, तो पावर्ड आपको वन क्या लिखना जरूरी है? टू बाबू सक्षम, पावर्ड वन लिखना जरूरी है? बस टू लिख दे। हाँ लिखना जरूर, 1 पावर हम लोग लिखना जरूरी नहीं रहता, लिखिए आगे। काय नर्मदा, वीडियो का बंद हो गया जी, नेक्स्ट जल्दी लिखिए, बहुत सारा बच्चा बाबू ट्रेवल कर रहा है, इसमें आशुतोष शैतान कल, इसमें बहुत सारा बच्चा ट्रेवल करेगा, जल्दी लिखो जी। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो, कहा है मयंक बाबू, कहाँ घूम रहे हो, नहीं कनेक्ट हो रहा है जी मयंक, सर नेट नहीं चल रहा था। कितना जीबी प्लान है जी डाटा जी मयंक,
अनलिमिटेड है अनलिमिटेड है तो फिर दिक्कत कैसे हो जाती, जल्दी लिखिए। अब सर, बंद हो गया था कितना दिन से होमवर्क बना के नहीं भेजो मैं अंक बाबू। सर। दो उठा बैठी करवाएंगे आपको, ठीक है ना। बड़ा हो गया ये सबको शैतान। आप हो गई किसके पेरेंट्स से बात करना, परी के मम्मी से बात करना, पापा से बात करना। कल वाला लेक्चर नहीं ना देखिए परी बाबू, ये क्लास बाबू उस तरह के नहीं स्कूल वाला समझो, केयरलेस। हम लोग बाबू जी जान लगाए हुए हैं। कल वाला नहीं क्लास अटेंड करते, रिकॉर्डेड देते, उसको देखोगी तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट वो 219 नंबर, 219 नंबर। सब पढ़े में कमजोर है बाबू, बच्चा बाबू पढ़े में कमजोर इसी होता है, केयर नहीं किया जाता है ना स्कूल वाला करते हैं आगे, है ना बाबू। गार्जियन बेचारा कितना करेंगे, स्कूल वाला का तो हाल बेहाल है, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, यही तो होता है स्कूल में, किसी को क्या मतलब है। नेक्स्ट बाबू, ये कितना था, एक्स क्यूब था, कितना था जी, उत्कर्ष से शैतान, उत्कर्ष एक्स ना पे पावर 4 सर, एक्स एक्स पे के पावर पा 4 था, वाई के वाई वाई पावर एक्स टू सर। क्यूब, नो सर, वाई स्क्वायर जेड क्यूब। अब शांति से समझना, देखो कैसे करना है। यहाँ पे नहीं कुछ लिखा लेता, कितना लिखा ले, 2 लिखा हुआ। यस आपको ऐसा रहेगा तो स्क्वायर रूट से बाहर ही निकालना, जो रेडिकल साइन उसे बाहर, तो निकालने की कला सीखना। हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये बाई के पावर 2 और है ना यहाँ भी 2, तो ये बाई निकल जाएगा, ये एक्स फोर निकलेगा। अच्छा ठीक है, म्यूट कीजिए। एक्स फोर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जेड क्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यही आपको सोचना है परी और मयंक शैतान। अगर निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा, देखो किस रूप में निकलेगा। एक नेक्स्ट, फोर अगर यहाँ अच्छा ठीक है, यहाँ 2 है, आई पावर 4 है, तो पावर 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। क्यों सर, बेस सेम है, ऐड करेंगे 2 + 2 यही चीज आ जाएगा। ऐसा लिखने से हमारा के की फायदा हुआ, तो हमको ये फायदा हुआ शैतान, रोशनी कहाँ रोशन कर रही जी, हाँ ये फायदा हो गया बोले, कि यहाँ ऑर्डर 2 है, अब पावर 2 है, तो ई वाला एक्स और ई वाला एक्स क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो हमको यही फायदा होता है। बाई स्क्वायर है, बाई स्क्वायर रहने दो, बाई स्क्वायर ऑलरेडी पावर ऑर्डर सेम है, आराम से बाहर निकल जाएगा। नेट सीखो, जेड क्यू है, अब जेड क्यू है और यहाँ 2 है, तो जेड क्यू को लिख सकते हैं किसी तरह से तोड़ के, 3 को, पावर 3 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, 2 जिसमें एगो 2 आ जाए, तो हाँ सर जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं और जेड के पावर 1 लिख सकते हैं। क्यों सर, बेस सेम है ना, जेड बेस सेम है तो ऐड करोगे 2 + 1 3 हो जाएगा, यही चीज आ जाएगा ना। ठीक, पैसा तोड़ने से सर, फायदा क्या हुआ, सर ऐसा वाई को तो आप क्यों नहीं तोड़े? बाई को इसलिए नहीं तोड़े भोली, कि बाई के पे ऑलरेडी पावर 2 है ही है, यहाँ ऑर्डर 2 है ही है, हम तोड़ क्यों रहे, शांति से सुनवे नहीं करती है, हम तोड़ इसलिए रहे बाबू, यहाँ दुइये में क्यों तोड़े, क्योंकि यहाँ जो ऑर्डर है ना उसी के पावर के रूप में कोशिश करना तोड़ने का। क्यों सर, जितना ऑर्डर होता है उतना पावर होता है, तो ये वाला जो एक्स है आसानी से इस साइन के बाहर निकल जाएगा, ये दोनों सेम हो गया ना पावर ऑर्डर, तो ये वाला एक्स यहाँ से आसानी से बाहर निकल जाता है ना, इसीलिए करते हैं। यहाँ देखो हम बाई को क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पावर 2 है ही, ऑर्डर भी 2 है, तो इसको तोड़े की जरूरत क्या है। यहाँ देखो एक्स के पावर 2 है और ये भी 2 2 मिल गया ना, तो ये भी एक्स क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई समझो, बाई के पावर 2 है और यहाँ भी 2 है, बाई के पावर 2 है और यहाँ भी 2 है, तो दो दो से सेम हो गया ना आपको, इससे आपको इससे क्या होगा ना, आसान का और भी तरीका है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना, ऐसे भी करोगे एक्सपेंड भी करके वो बता देते एक साइड में, है ना, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो दो दो सेम हो गया ना, तो ई बाई क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, जेड के पावर 2 है यहाँ भी 2 है, तो ये जेड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ये वाला जेड, ये 1 है 2 है,
ये वन पावर है, ये टू पावर है, तो ये जेड बाहर नहीं निकलेगा, तो ये अंदरे रह जाएगा। कहाँ रह जाएगा? अंदरे रह जाएगा, है ना? ठीक, ऑर्डर टू है तो ऑर्डर टू नहीं लिखा जाता, आपको समझाने के लिए लिख देते हैं। तो ये सारा का सारा आपस में क्या है? मल्टीप्लाई। आप शांति समझना, एक्स मल्टीप्लाई एक्स करोगे कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बाई जेड कितना हो जाएगा? बाई जेड हो जाएगा। बेस सेम है ना, तो पावर वन को वन कितना होगा? ऐड हो जाएगा, बाई जेड हो गया। और ये कहाँ चल जाएगा आपका? जो अंदर में जेड है बेचारा, जेड रह जाएगा, यहाँ टू था तो टू रह जाएगा। तो एक तो तरीका ऐसे कर सकते हो, उधर क्या देख रहा मयंक बाबू? एक तरीका और है, देखो एक तरीका और है, ऐसे भी कर सकते हो सर, आपको और एक सही से। तरीका लिखने के लिए जगह नहीं होगा। सर अच्छा, तो एक क्वेश्चन को काट के आगे लिख लेना, दिक्कत की है? देखो सेकेंड में हल्ला मत कीजिए, सेकेंड मेथड ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। शांति से सोच, थोड़ा सा पढ़ो, समझ के पढ़ो, ये समझ गया आपका रास्ता आसान हो गया। सेकेंड मेथड कैसे करेंगे सर? सेकेंड मेथड में कुछ नहीं करेंगे मयंक शैतान। सर आप तो 6 ही लाइन छोड़ने बोले थे। सर आज जी, तो आज 6 लाइन इधर होगा ना जी, 6 लाइन इधर होगा ना जी, काम हो गया बात बराबर। एगो कॉपी में बड़ा वाला कॉपी है ना जी। नेक्स्ट, शांति से समझना, टू है, एक्स फोर है, बाई है, स्क्वायर है, जेड क्यू है। आपको बोले थे स्टार्टिंग में, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे सर? एक्स फोर बाई स्क्वायर जेड क्यू, ब्रैकेट दे दो, ये हो गया। अब यहाँ जो भी पावर रहता है ना, ये सिंबल हटाएंगे तो पावर क्या होगा? 1/2 हो जाएगा, ये आपको बताए थे। जो भी यहाँ रेडिकल साइन है, अगर ये सिंबल हटाओगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे, तो जो भी यहाँ नंबर आता है वो कितना हो जाता है? 1/2 में हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट समझना है। नेक्स्ट क्या करेंगे? अभी ये सारे के ऊपर क्या है? पावर के ऊपर पावर हो गया। अरे 4 के पावर 1/2, 2 के पावर 1/2, तो क्या करो? ये पावर बाबू उछल के आएगा, पावर ब्रैकेट पावर के ऊपर पावर है ना, तो ये पावर आएगा इसके पे भी उछल के आएगा, इस 2 के पे भी आएगा, और ये 3 पे भी आएगा, मतलब x के पावर 4। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये पावर जब ब्रैकेट हटाओगे तो पावर 1/2 इस पे भी आएगा ना, 4 पे है, तो क्या करना? 4 मल्टीप्लाई 1/4, ऐसे भी कर सकते हो। बाई है बाबू, तो बाई के पावर 2 है। ठीक, आई पावर जब आएगा ब्रेक होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट जेड वाला, जेड के पावर 3, और ये ब्रैकेट हटाओगे ना तो पावर के ऊपर पावर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एक पे आएगा, तो जेड के पावर कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक, नेक्स्ट, ये संकल्प कहाँ गया? समझ चलना संकल्प। आप बाबू इसको मारो, 2 से 4 कितना बना? 2 टाइम में, मतलब क्या बचेगा? x के पावर 2 बच जाएगा, यहाँ 2 2 मर गया तो 2 बच गया। ठीक, यहाँ जेड है, 3/2 है ना, तो नहीं ना मरेगा, तो जेड के पावर कितना हो सकता है? 3/2 हो सकता है ना, 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों आंसर हो सकता है ना, दोनों आंसर हो सकता है। ठीक, इसको फर्दर तोड़ोगे ना तो आपका यही चीज आएगा, यही चीज आएगा, है ना? तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये हमको ज्यादा यूज होता है ना, ये ज्यादा यूज होता है ना, जल्दी भी है, फास्ट, इसमें जल्दी भी है, फास्ट भी है। पावर ऑर्डर सेम करो, आंसर लूटो, पावर ऑर्डर सेम करो, आंसर लूटो। लिखो, अब लिखो रोशनी। एक इस्ता नहीं है, जल्दी लिखो बाबू, लिखिए बाबू परी, इसको तो बाबू कूटेंगे भर पेट। कहाँ सर, गया? हाँ जी, क्वेश्चन में सर ऐसे भी तो हो सकता है कि सर कम ब्रेक करके कर ले। सर जैसे सर क्वेश्चन में सर जितने पावर सेम है सर उतने पावर ही सेम रखे। सर वैसे करने से सर कम ब्रेक होगा तो सर वो सही है।
जितना पावर है भोला, यहाँ पावर टू है, यहाँ दो है, तो सबको पावर टू में लिखे के कोशिश करो। पावर टू है यहाँ, ऑर्डर टू है, तो पावर टू में लिखने के कोशिश करो, और उसके बाद आराम से ही इसके बाहर निकाल दो, सिंबल के बाहर निकाल दो। चमत्कार सिंह हारमोनियम ऑन कीजिए बाबू। हो सकता है सर वाई, और सर ऑर्डर में टू रहेगा, और सर अंदर में एक्स पावर फोर जेड की पावर थ्री। अच्छा देखते हैं, देखते हैं बाबू, देखते हैं ना आप क्या बोल रहे हैं बाबू, समझ में नहीं आता। जो भी डाउट है आप लोग कॉपी पे लिखे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू। नेक्स्ट, जिसको नहीं समझ में आया आगे समझो, ये सबसे आसान वाला टॉपिक है। चलिए लिख लिए, देखो इसको समझो, 220 को जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू। जितना ड्यूज है होमवर्क बाबू पर ही, कल हमको सारा बना के भेज देना, अभी आपके पापा जी से बात करते शैतान। आपका भी मयंक बाबू, दो गो बच्चा एकदम शैतान, इसमें शैतान। कल सारा कल वाला भेज दिया। अच्छा वाला भेज दिए, अच्छी बात है, चलो लिख लिए। नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया 220 समझो, इसमें एक के चीज आपको यादें रखना, पावर और ऑर्डर दोनों को सेम करना है बस, और उसके बाद आपको क्या करना, आंसर लूट लेना है। पावर ऑर्डर सेम करो, और फिर जो आपका सिंबल है चम्मच वाला, रेडिकल साइन वाला, उससे बाहर निकाल दो, बस सिंपलीफाई हो गया है ना, सिंपलीफाई हो गया। इसी से लोग डरता है, डरना नहीं है, दो ही फंडा तो आपको यादें करने लग बोले बाबू, क्या बोले सर। 220, 220 नंबर है ना, ये आपका कितना है, थ्री है, ये फोर है, ये थ्री है, और ये सी फाइव है। अब सोचो समझो और बनाओ, ऑर्डर यहाँ तीन है, तो देखो यहाँ पावर तीन है, तो तीन पावर रहेगा, ऑर्डर तीन रहेगा, हमको टेंशन नहीं लेना, आराम से कलम खींचना, अब कॉपी पे ले जाना, आई बी बाहर निकाल देना बस, कुछ हो करे कहे। जय सिन्हा, वीडियो ऑन करो जी, शैतान खाली वीडियो बंद करता। यहाँ पावर तीन, ऑर्डर तीन, बी निकल जाएगा ब्रैकेट के बाहर, बाकी सबको कैसे करेंगे इसी के बारे में सोचना है। देखो तीन है ना, तो चार को तीन के पावर में लिखो, चार यहाँ तीन है ना, तो चार को पावर तीन में लिखो, और पांच है तो उसको भी पावर तीन में लिखो। क्यों सर? क्योंकि भोला ऑर्डर तीन है, पावर तीन में लिखेंगे। उत्कर्ष सिन्हा वीडियो ऑन कर बाबू, जाने वाला काम करता। यहाँ ऑर्डर थ्री है, तो इसको भी चार को पावर तीन में तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, एक के पावर थ्री मल्टीप्लाई एक के पावर वन है ना, देश से मैं, 3 + 1 कितना, 4 हो गया। ऐसा करने से हमको फायदा क्या होगा, बहुत बड़ा फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया, पावर ऑर्डर मिल गया ना, तो ये सीधे बाहर निकल जाएगा, कहाँ निकल जाएगा, सिंबल के बाहर निकल जाएगा। बी के पावर थ्री है, तो इसको तो है ये तोड़े की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी तो इसका गठबंधन होल है, ये तीन 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 है ना, तो इसको छोड़ दो। सी के पावर फाइव है, तो फाइव को भी तोड़ो तीन के टर्म में, फाइव को भी तोड़ो तीन के टर्म में, कितना, सिक्स के पावर थ्री पांच है ना, तो पांच को तोड़ो। ऐसे शैतान रौनक का होमवर्क नहीं आ रहा बहुत दिन से, इसके भी पापा जी को फोन करते हैं। कल तो बाबू है ना, अब हमको एक आध दिन छुट्टी रहेगा, सबके गार्जियन ही फोन करके उठा बैठी करवाएंगे, शैतानी सबका होमवर्क नहीं आता। पांच है ना बाबू, पांच को हमने तोड़ा कैसे सर, तीन दो के टर्म में, 3 + 2 फाइव हो जाएगा। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ए उत्कर्ष सिन्हा वीडियो ऑन कर बाबू, उत्कर्ष, बहुत बड़ा फायदा हुआ। की फायदा हुआ सर, क्योंकि तीन हो गया, यहाँ भी तीन हो गया, तो ये तीन तीन मिल गया ना, अब समझो शांति से।
ये तीन तीन मिल गया तो ए बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया। नेक्स्ट ये बेचारा बौदा नहीं मिला, वन है नहीं मिला, तो इसको यहीं छोड़ दो, इसको मत बाहर लेके जाओ। यहाँ देखो थ्री थ्री मिल गया तो ई भी बी बाहर आ जाएगा, कैसे आएगा? मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का सिंबल, तीन तीन तीन, गठबंधन हो गया है ना बाबू। तीन तीन मिल गया तो सी बाहर आ जाएगा है ना। अंदर कौन कौन रह गया? जो नहीं मिला वो अंदर रह गया, तो कौन कौन छूट गया? सेम बोल दो, कौन छूट गया? ए छूट गया तो ए लिखो, दू छूट गया तो सी सर टू लिखो। इंटू का साइन नहीं दिए बी और सी के बीच में। दे रहे दे रहे, यहाँ पे तीन है तो ये तीन लिखो। नेक्स्ट ए बी सी है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरिएबल के ऐसे भी, क्यों रहे यहाँ पे मल्टीप्लाई ही समझना। आई क्या हो गया? ए सी स्क्वायर हो गया, यहाँ तीन है, तीन दो, तो इस तरह से सॉल्व करते। लिखिए, समझी पड़ी थोड़ा सा जी? तब परी परी सुन, समझी यस बोली? कुछ नहीं समझे, समझ गए। दो चाट घींच के दीजिए ना जी, बात से सुनता बाबू, बिना लात के बच्चा सुनता है? दीजिए दो चाट घींच के, रुद्र का तो विटामिन, जल्दी लिखे बाबू। अब फोटो बढ़िया से घींच के भेजना बाबू अंशु, शैतान बढ़िया से घींच के भेजता नहीं है। इसमें पटना वाला डिपार्टमेंट आरब, वो तो चल गया भलुक शैतान विक्रम, जल्दी लिखे। धोबी का था, पानी लाओ ना, वहां पे रखा है टेबल पर। अरे नहीं जल्दी उसको बगल लिखिए बाबू, समझ यार। में आ गया राजनंदनी? यस सर, और नैतिक कहाँ गया जी? नैतिक यही हूँ। जल्दी लिखिए। आपको विद्यासागर का जोन जोन एक्सरसाइज दिए हैं, सारा बच्चा बना के रखेगा, अलजेब्रा वाला बना लेगा, सिंप्लीफिकेशन बना लेगा। विद्यासागर जो जो बुक भेजे राजनंदिनी, बना के रखना, वो चेक करेंगे। जो जो चैप्टर आपका हुआ, अलजेब्रा फिनिश हुआ उसको कंप्लीट कीजिए, सिंप्लीफिकेशन हुआ है, सार्ट चल रहा है, इसके पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाए थे जी? एक्सपोनेंट पावर बताते हैं। नेक्स्ट बाबू को होमवर्क देते हैं कुछ, इसको बना के भेजना है, 221 नंबर। प्रैक्टिस के लिए चाहिए ना जी? ये हो गया डी आई बाई, उसके बाद होमवर्क देंगे बोला। यहाँ पे नहीं कुछ है, ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड क्यू है, ठीक, 222 नंबर। ठीक इसको तोड़ना है, 24 को तोड़ो तो 8, 3 के टर्म में इसको तोड़ो तो 24 को फैक्टर करो, ठीक है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन आता है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, 3 बार में 8 हो जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, 223 नंबर। जैसे मान लो 100 है, तो 100 का क्या करोगे, इसको कैसे ब्रेक करोगे है ना? तो 10 मल्टीप्लाई 10 करोगे, 10 का स्क्वायर करोगे, सिंपल हो जाएगा। यहाँ नहीं कुछ है तो ऑर्डर टू है ना जीता, 100 को कैसे लिखोगे कि ऑर्डर टू में आ जाए? कौन सा नंबर लिखोगे? कोई भी नंबर लिखिए, 2 पावर 2 में अरेंज कीजिए है ना। नेक्स्ट भोला, 27 27 है, कल का नहीं आया था जी? सर, आप पुराने टाइम का रिवीजन वाला भी दे रहे साइड हैं ना सर? आप रिवीजन वाला भी दे रहे हैं ना हाँ बाबू, दिमाग लगाना बनाना है। सर? पिछली बार का मतलब जो पढ़ाया हुआ है सर, वही वाला दे रहे हैं ना आप सर इसमें? आज X4 by 4 Z6 साइड।
बना के भेजी, पढ़ती लिखती नहीं जी, मेरा नाम खराब करोगी, बोली। स्कूल ही सब समझ लेती, स्कूल वाला। साई यहाँ पे नहीं है। पी स्क्वायर क्यू 3 आर 4। जल्दी से लिखिए इसको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोली। मैंने सर अभी भेज दिया है, फिर बाद में मत बोलिएगा कि नहीं भेजी। सारे बच्चे के पास ही विद्यासागर का बुक है ना जी। नहीं। नहीं। अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन इंडिसेस का कुछ कुछ क्वेश्चन सर बनाना, सारा मैंने बना लिया। घर जाए भाई, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। वर्ड सर आज आप बैड सर गुड नाइट सीरीज सर। में बाय वर्ड सर में गुड नहीं नाइट सर। लिख बाय पाए। सर। सर गुड नाइट सर। आप लोग वो कल से बाबू आओगे नहीं, शैतान है ना। बैच बी तो हाँ पट लोग का बाबू बच्चा बहुत सारा ट्रेवल कर रहा है, आया नहीं रहा। देखता बाबू 30-35 को बच्चे आप लोग आ यहाँ तो नहीं कल रहे। हाँ छुट्टी है सर। बाबू, कब छठ खत्म हो रहा है जी? मंडे को जी। हाँ सर मंडे को लास्ट यस है। सर। मंडे को, यस सर। मंडे को लास्ट है सर। मंडे को तो और नहीं होगा, उसके बाद अलजेब्रा सर कब से कब तक सिंप्लीफिकेशन छुट्टी है? सर सब बच्चा बना लेगा। अलजेब्रा कब सिंप्लीफिकेशन से कब तक छुट्टी है? मंडे तक छुट्टी है। ट्यूजडे से हम लोग पढ़ेंगे। मंगा आप लोग का मंडे तक छुट्टी है ना बाबू? ट्यूजडे से हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज आप इसको बना के भेजना, फोन करेंगे बाबू आप लोग के यहाँ, क्योंकि आप लोग आ नहीं रहे। बैच बी को पढ़ाएंगे आप लोग अभी थोड़ा बाजफ छोटे। की क्लास होगी? बाजफ की क्लास होगी हाँ बैच एफ की होगी नहीं जी? सर, मतलब इन 4 दिन में जिसमें बाजी की छुट्टी है उसमें बाजफ की क्लास होगी? नहीं बाबू, बाय सर। कल हम लोग हाँ को छुट्टी है सर। बाबू कल।